हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल लिविंग DRX और मैं हूँ आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर पूजा। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फॉर हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनका जो रक्त का प्रवाह होता है हार्ट की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें घबराहट, बेचैनी और सर में दर्द, हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होना, उस तरह की या नींद ना आना, इस तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। बहुत लोगों को बहुत पसीना आता है। तो चलिए आज मैं आपको जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी, उन्हें अगर आप नियमित रूप से उनका प्रेशर देते रहते हैं उन पॉइंट्स पे, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नियंत्रित होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको दवाइयों के बाद भी कंट्रोल में नहीं आता है और जो आपका रक्तचाप है वो बैलेंस नहीं रहता। तो इसके थ्रू आप अपने जो ब्लड प्रेशर है उसे बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात को ध्यान में रखने की है कि आप कभी भी अगर ब्लड प्रेशर का कोई भी चाहे दवाओं से ट्रीट कर रहे हो, आयुर्वेदा से कर रहे हो या एलोपैथिक मेडिसिन या एक्यूप्रेशर से, आप उसको मेजर करते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका क्या चल रहा है, क्या आपका मेजरमेंट है इस वक्त आपके ब्लड प्रेशर यानी BP का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है H7 पॉइंट। आप देख सकते हैं जो ये हमारी पिंक की फिंगर स्टार्ट होती है उसके जस्ट सीध में एंड में, जहां से कलाई शुरू होती है, ये जो डबल लाइंस होती है कलाई की, उसकी जगह पे यहाँ पे ये H7 हार्ट 7 पॉइंट होता है। तो आपको ये प्रेस करना है तो जो हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो आपकी इससे कंट्रोल में आ जाती है। इसमें आपको 5 से 10 सेकेंड का पंपिंग प्रेशर देना होता है और आपकी इस प्रॉब्लम में आपको काफी पॉइंट, ये पॉइंट जो है इफेक्टिव होता है। तो ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट। ये दोनों हाथों में होता है क्योंकि ये पॉइंट आपका बिलेटरल होता है, दूसरे हाथ में भी ये इसी जगह पे यहाँ पे मौजूद होता है। इसे आपको पंपिंग प्रेशर आप हाथ से भी दे सकते हैं या अगर आप इस मशीन की काफ़ी अच्छी होती है, एक्यू डॉक्टर से बोलते हैं इसके थ्रू भी आप करना चाहते हैं तो इसका वैसे बाय करना चाहते हैं। काफ़ी व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि ये कहाँ से मिलेगी, ये जो मशीन मैं यूज़ करती हूँ प्रेशर पॉइंट के लिए, तो मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और पिन कॉमेंट में, आप वहाँ से इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये रहा आपका H7 हार्ट 7 पॉइंट। तो ये हुआ आपके हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का फर्स्ट पॉइंट। अभी बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए ईयर एक्यूप्रेशर यानी जो कानों का आपका एक्यूप्रेशर होता है वो काफी इफेक्टिव माना जाता है। तो आज मैं आपको इसका कानों का पॉइंट बताने जा रही हूँ। ये जो हमारे ईयर का जो ये एरिया होता है, ये जो ऊपर का टॉप एरिया जो ये इस जगह पे कनाल के अंदर होता है, इस जगह पे आपको इस जगह पे अगर आप पंपिंग प्रेशर रोज सुबह उठ के 5 से 10 सेकेंड भी देते हैं तो ये ईयर पॉइंट जो होते हैं एक्यूप्रेशर के हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन में काफी इफेक्टिव होते हैं। ये भी आपका दोनों साइड होता है, बिलेटरल है। आप इसे ये जो इतना लगभग 1 सेंटीमीटर का जो कान के टॉप का ये जो एरिया होता है वहां पे प्रेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है बिल्कुल आपके ईयर कनाल, जहां पे मैंने ये पॉइंट बताया उसी से आप सीधे ऐसे रूट में उंगली ले जाएंगे एकदम टॉप में, इस जगह पे मिडिल में जो आपका स्कल बोन का जो मिडिल पॉइंट होता है उससे अगर आप इसे यहाँ पे प्रेस करते हैं तो इससे भी आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन जो है वो कंट्रोल हो जाता है। सो ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपके फिंगर्स में है। और जो फिफ्थ पॉइंट मैं बताऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जिनको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है, सिर्फ 2 सेकेंड ही अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो आपका ये जो थर्ड पॉइंट है वो आपकी फिंगर्स पे होता है, फिंगर्स सारी फिंगर्स के टॉप में, यहाँ पे आप देखेंगे जो ये एज का एरिया होता है टॉप का, जो नेल्स के इस साइड का एरिया होता है उसमें होता है। आप उसे भी अगर आप पंपिंग प्रेशर हाथ से दे सकते हैं या फिर आपके पास रोलर हो तो इस तरीके से आप रोल डाउन कर सकते हैं, इस तरीके से सारी फिंगर्स पे आप रोलर चला सकते हैं 5 से 10 सेकंड के लिए। दोनों हाथों में भी बिलेटरल होता है, इससे भी आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को यानी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को बैलेंस रख सकते हैं, इसे नियंत्रित कर सकते हैं। एंड आपका अब जो मैंने बोला था आपका जो ये फोर्थ पॉइंट है वो आपके पैरों में होता है, तो उसे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उसको प्रेस करने उसे सिर्फ 2 सेकेंड ही दबाना है, क्योंकि सिर्फ 2 सेकेंड प्रेस करने से ही आपके जो ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं LIV3 पॉइंट, उसे प्रेस करते ही आपके जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा भी हाई रहता है लाइक 190 से ऊपर बहुत लोगों का BP चला जाता है, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। लेकिन बहुत प्रेस नहीं करना, आपने BP की स्टेज के हिसाब से करना है, जैसे 200 या 230 इस तरह से हाई हो गया, इतना ज़्यादा हो गया तो आपको 5 से 10 सेकेंड करना है, और उससे कम है तो जस्ट 3-4 बार ही प्रेस करने से आपको आराम मिल जाएगा। पॉइंट होता है ये आपके थंब और ये जो मिडिल फिंगर होती है इसके जस्ट जहाँ पे ये आपके थंब की जो ये बोन होती है उसके जस्ट सीध में आप देखेंगे तो जस्ट
ये आपके मिडिल का जो एज होता है उससे 1 सेंटीमीटर के बिहाइंड होता है, जिस जगह पे आपको दिखा रही हूँ देखिए, तो इस जगह पे होता है। इसमें आपको ये आप मशीन से इस जगह पे अगर आप प्रेस करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट है, इसे LIV3 बोलते हैं। इसमें अगर आप सिर्फ 4 या 5 बार, जैसे आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो आप 5 से 10 बार प्रेस कीजिए, नहीं तो आप इसे सिर्फ 3 से 4 बार या अगर थंब से भी ऐसे प्रेस कर लेते हैं, प्रेस एंड रिलीज प्रेस एंड रिलीज, तो आपका जो BP है वो बहुत जल्दी आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज पे आ जाता है। और साथ साथ आप इसे मेजर भी करते। तो ये थे आज के आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट, हाई ब्लड प्रेशर के एक्यूप्रेशर पॉइंट। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगा, प्लीज से जल्दी से लाइक दे दीजिए, शेयर कर लीजिए, और जो नीडी है उनके साथ जरूर सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर।